पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब वो अपने घर पर तिरंगा लहराते हुए नजर आई थी। हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए सीमा हैदर ने अपने घर की छत पर रविवार को तिरंगा लहराया था। इस मौके पर सीमा हैदर तिरंगा साड़ी पहने हुए भी नजर आई थी। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आई है। सीमा हैदर के चारों बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेकर रबुपुरा के स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। रबुपुरा के डीपीएस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीमा हैदर के बच्चों के हाथों में तिरंगा और कैप लगाकर वो स्कूल जाते हुए नजर आए। स्कूल में भारत माता की जय के नारे लगाए, इसके साथ ही राष्ट्रगान भी गाया। सीमा हैदर के ससुर नेत्रपाल ने स्कूल में बच्चों के दाखिले की गुजारिश स्कूल प्रबंधन से की, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलने के बाद ही बच्चों को पढ़ने की इजाजत देने की बात कही है। जब सीमा हैदर के बच्चे स्कूल जा रहे थे तब हमारे संवाददाता ने स्कूल प्रबंधन से बात की और उनसे इस पूरे मामले के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। इस दौरान सीमा हैदर के बच्चे स्कूल में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए। वो राष्ट्रगान के वक्त भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने जोरों शोरों से भारत माता की जय के नारे भी लगाए, जो तस्वीरों में साफ दिखाई भी दे रहा है। इस स्कूल में एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम पे यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ तमाम स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सीमा हैदर के चारों बच्चों के हाथ में झंडा और तमाम जो कैप थी वो भी पहने हुए थे और जोश और खरोश से वो लोग भारत माता की जय भी कह रहे थे। बताया जा रहा है कि जो बच्चों के दादा हैं उन्होंने डीपीएस स्कूल के प्रबंधक से भी निवेदन किया था कि यहाँ पर उनका दाखिला कराया जाए। डीपीएस के जो प्रबंधक हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आज स्वतंत्रता दिवस है तो सीमा हैदर के बच्चों का क्या यहाँ दाखिला हो चुका है? नहीं सर, ऐसा है कि हमारे पास उनके जो दादाजी हैं, सीमा के जो ससुर हैं, सचिन के जो पिताजी हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों का, चार बच्चे हैं, उनका एडमिशन करा दीजिए। हमने उनसे कहा था कि जब तक इन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलती है और जब तक सरकार इन्हें क्लीन चिट नहीं देगी तब तक हम इन्हें स्कूल में शिक्षा नहीं दे सकते। आप घर पर ट्यूशन पढ़ाइए और शिक्षा दे सकते हैं, आपको हम बुक की हेल्प कर सकते हैं, मगर जब तक सरकार नहीं आपको अनुमति देगी तब तक हम आपको स्कूल में एडमिशन नहीं करेंगे। कभी कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई किसी तरह के, जब तक हमें आदेश नहीं होगा डीएम साहब का, एसडीएम साहब का, बीएसए साहब का, तब तक हम एडमिशन नहीं कराएंगे। तो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस पर आप बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं आपके द्वारा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? 15 अगस्त पे हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसमें नेत्रपाल जी हमारे बहुत शुरू से ही, पहले से ही, काफ़ी वर्ष से जब हम स्कूल चला रहे हैं वो हमारे अच्छे गार्जियंस रहे हैं और उनसे हमारी मित्रता रही है। उसकी वजह से हमने उनको इनवाइटेड किया था 15 अगस्त के लिए और लोगों को भी किया था, सभी अभिभावकों को किया है, तो वो भी आए थे। हमने कहा बच्चों के साथ आना, तो वो बच्चों के साथ आए हैं। हमने स्कूल की गाड़ी उनके पास भेजी है कि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, तो इसलिए हमने सभी को राष्ट्रगान अपने 15 अगस्त पर, इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर सबको बुलाया है, अभिभावकों को बुलाया है और साथियों को बुलाया है। सीमा हैदर और सचिन नहीं आए? सीमा हैदर और सचिन के लिए अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है, इस वजह से उनको घर पर ही रखा गया है और हम तब तक उन्हें पूरी परमिशन नहीं मिल जाएगी तब तक विद्यालय में नहीं बुला सकते। कोई दुर्घटना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए ये काम नहीं कर सकते हम। इन कोशिशों से सीमा हैदर के बच्चों को भारतीय जताने की कवायद की जा रही है। हालांकि स्कूल प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि जब तक खुफिया एजेंसियां, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट में सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे देती तब तक उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा।